हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के मुखिया सतीश कुमार टुन्ना जी हैं और डॉक्टर सोनू शंकर जी हैं। दोनों अभी बिहार को देख रहे हैं और राष्ट्रीय जनजन पार्टी को, और क्या योगदान अभी चुनाव के टाइम में रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हर जगह कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर, चुनाव भी इतना करीब आ गया है एकदम। हमारी पार्टी हर लोकसभा पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर पूरी मजबूती से चुनाव लड़िएगा, एक लोकसभा में 10-15 करोड़ 20 करोड़ से भी ज्यादा का बात होता जा रहा है, पूरे लोकसभा में कितना उतना पैसा कहाँ। हमारे पास वैसे प्रत्याशी हैं जो करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है, हम पूरी मजबूती से और आर्थिक रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगे। किनके साथ जाइएगा? अब जाने के बाद, अभी तो आशुतोष जी ने आपको बताया है कि जो हमारी बात करेगा वो हम पे राज करेगा, मतलब मूड बना लिया कि जो हमारा बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो हमारा बात करने का मतलब कि हमारे समाज का जो बात करेगा हम उसकी साथ जाएंगे। एक नीतू सिंह विधायिका हैं जो कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा था तो वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर, एक अकेली महिला विधायिका थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमारे जाति में भी गरीबी है, उसका भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, सबसे ज्यादा गरीब हमारे समाज में है, सबसे ज्यादा शिक्षा से दूर हमारे समाज के लोग हो रहे हैं, हमारा भी हक हिस्सा मिले, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुने, ऐसा क्या लगता है? और आप कहते हैं कि जो हमारी बात करेगा, आपका तो बात कोई करेगा लगता है। हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज में से आता है। आज आप उठा के देख लीजिए कि कोई भी पार्टी का जो किस्त की पोस्ट है, मुख्य पोस्ट है, वहां भूमिहारी देख रहे हैं, इसलिए हमारे समाज से लोग डरते हैं और सारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारा विरोध करता है, इसीलिए आपको आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। आप अपने सवर्ण समाज के युवाओं से क्या कहिएगा, क्योंकि आप तो सवर्णों के ही लड़ाई में पहले आप आगे आए लेकिन पार्टी बनाने के बाद सबों की बात कर रहे हैं। सवर्ण समाज के सभी जातियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भूमिहार समाज जो रोड पर संघर्ष कर रहा है उसका परिणाम आप देख रहे हैं, आप लोगों से भी करबर प्रार्थना है कि आप सड़क पर आए और हमारे साथ मिलकर संघर्ष करें, आपको भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आज हमको मिल रहा है। और देखिए बेगूसराय के जो अभी चर्चा, अगर कोई बेगूसराय में है तो डॉक्टर सोनू शंकर जी का के कहा जा रहा है कि चुनाव लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं, कैसा तैयारी चल रहा है सोनू भैया? अच्छा, अब हमारा तैयारी की जरूरत है, ताकत दिखाती है सबको, जिसके पास जाते वोट मांगने के लिए उसको बुलाए अपने पास, क्या जाए किसी के पास, सब जानता है हमको उस तरह से कि ठीक है लड़का है, कुछ बनता है तो हमारा बात करेगा, ये जाते क्या कहेंगे, समाज तय कर लिया कि सोनू जी अगर बनेंगे तो हमारा बात करेंगे। अब जहां तक हम अपने जाति की बात करते हैं तो हम अपनी जाति की जब बात करते हैं तो हम दूसरा अन्य जाति का विरोध कभी नहीं करते हैं, यहां तक कि उनके हर संभव जितना भी हमसे संभव हुआ है उनका मदद ही किए हैं, तो हमें अपनी जाति पर तो गर्व है और अन्य जातियों पर भी यही कहूंगा, आप भी गर्व कीजिए लेकिन सही आदमी को चुन के लोकसभा भेजिए, ताकि आपको हिंदू मुस्लिम सब में नहीं बांटे कि आज झटका दुकान खोल रहे हैं सांसद नाम से, पहले खाते थे हलाला वाला, पहले खाइए लेता झटका, जब पाप करिए लेता पाप काहे रुकना चाहते हैं इस चीज को, ये बहुत गलत संदेश जा रहा है समाज में, समाज को तोड़ने की बात हो रही है बेगूसराय में, ऐसे व्यक्तियों को सब बेगूसराय में कम से कम नहीं। बेगूसराय के लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर सोनू शंकर जी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ धमका रहे हैं? वक्त तय करेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी और को लड़वाएंगे। यानी कि अभी क्लियर नहीं होगा, लोग इंतजार में रहेंगे कि सोनू जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। सामने वाला तो अपना उम्मीदवार तय करे किसको चुनाव लड़ाएगा, अभी तो सब पार्टी कंफ्यूजन में है, महागठबंधन में कंफ्यूजन में है कि किसको लड़ाए, उसमें कम्युनिस्ट को दें, कांग्रेस को दें, आरजेडी को दें, किसको दें, बीजेपी कंफ्यूजन में है कि राकेश सिन्हा को दें, गिरिराज सिंह को दें या अन्य किसी को दें, तो आगे को देखते हुए अपना रास्ता तय करें। भाई चेस खेलते हैं तो पहले उसका मूव देखें तब अपना मूव चलाएंगे हम। जैसा कि आप सुन रहे थे, बेगूसराय के सबसे चर्चित युवाओं में से अभी एक है डॉक्टर सोनू शंकर जी, आगे जो भी अपडेट होगा सुनाएंगे। धन्यवाद।